हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 25th लेक्चर ये हमारा 25th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है पांचवा लेक्चर है एंड होपफुली आखिरी लेक्चर है आज आज ये 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 चैप्टर जो 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 हमारा टॉपिक टॉपिक है है पूरा कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ कैपिटल कैपिटल का फिनिश हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं कि जो है capital, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं तो मैं आपको ये सारे ही टॉपिक पिछले चार लेक्चर में ये सारे ही टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एंड फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिग्निफिकेंस क्या है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप

एक्चुअली ये जो सारी मेहनत हम कर रहे थे ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे कॉस्ट ऑफ डेफ निकाल रहे थे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल रहे थे वो हम बेसिकली इसी पर्पज से कर रहे थे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए तो आज हम यही करेंगे इस पर न्यूमेरिकल करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है ये समझेंगे आज हम स्टेप्स क्या यूज किए जाते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मुला है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना इसमें बुक वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं मार्केट वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं जैसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको वैसा कैलकुलेट करना होगा तो मैं दोनों ही केसेस में आप पे आपको एक न्यूमेरिकल करके बताऊंगी ठीक है तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम अपना एक बार पहले हूँ में।, में।, में जब हमने एवरेज पढ़ा था तो वहां पे वेटेड एवरेज भी पढ़ा था ना वेटेड एवरेज में क्या होता था जो ऑब्जर्वेशन होता था उसको हम क्या करते थे वेट से मल्टीप्लाई करते थे एक्स वन डब्लू वन प्लस एक्स टू डब्ल्यू टू ठीक है याद आ रहा है प्लस एक्स थ्री डब्ल्यू थ्री ऐसे करते थे वेट से मल्टीप्लाई करते थे वेट मतलब क्या होता है प्रपोर्शन ठीक है जो भी ऑब्जर्वेशन है वो पूरे कह लीजिए पूरे ऑब्जर्वेशन का कितना प्रपोर्शन है दैट इज कॉल्ड वेट और ये होता था ऑब्जर्वेशन ये हमने स्टार्ट में पढ़ लिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको पता है अगर आपने पिछले चार लेक्चर जो मेरे थे अगर वो देखे हुए हैं तो भी आपको पता होगा नहीं तो आपने अगर पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फर्म को फंड दिया है ठीक है कैपिटल दिया है रिस्क बियर कर रहे हैं तो उसके बदले में जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होने चाहिए दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द फर्म ठीक है तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब हम बात करेंगे जो फर्म है ठीक है उसने जो डिफ फर्म जो है उसने डिफरेंट सोर्सेज से फंड रेस किया है कुछ इक्विटी शेयर के फॉर्म में कुछ प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में कुछ डिबेंचर के फॉर्म में कुछ रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में ठीक है रिटेन्ड अर्निंग बताया था ना रिटेन्ड अर्निंग एक्सटर्नल इक्विटी ठीक है प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर के फॉर्म में ये जो फंड रेस किया है तो ये सब क्या है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल है कैपिटल के डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे फर्म ने फंड रेज किया है ठीक है तो इनका प्रपोर्शन भी अगर मैं पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करू फर्म का जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है इस कैपिटल स्ट्रक्चर में इस ये जो पर्टिकुलर जो सोर्स ऑफ फंड है इनका एक सर्टेन प्रपोर्शन होगा ठीक है, शायद वो प्रपोर्शन वन बाई फोर भी हो सकता है की वन बाई फोर रिटेल एक्सटर्नल इक्विटी है by external equity है, by preference share है, by debenture है, तो ये सब क्या ये वेट है ठीक है ये सब क्या है वेट है, यानी कितना प्रपोर्शन है तो बेसिकली आज जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जब आप जो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं ठीक है जब आप स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल लेते हैं फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेट से जो भी इनका प्रोपोर्शन है जो भी इनका वेट है ठीक है डिफरेंट सोर्सेस का जो भी वेट है उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक

इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि कंपोजिट या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करिए तो कंपोजिट या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पूछा जाए तो आपको यही जो बैक डब्ल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना यही कैलकुलेट करना है इसमें क्या होता है सिंपली जो डिफरेंट सोर्सेज हैं इक्विटी प्रिफरें डिवेंचर अर्निंग इन सब का जो वेट होता है वेट मतलब प्रपोर्शन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में इनका जो जितना भी प्रपोर्शन है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है इनकी कॉस्ट से जो आपने पहले कैलकुलेट किया ठीक है एक बार देख लेते हैं स्टेप्स सबसे पहला स्टेप क्या होता है अगर आपको वैक यानी डब्ल्यू ए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है तो इसका इस स्टेप्स क्या है सबसे पहला स्टेप है आपको कॉस्ट ऑफ जो भी सोर्सेज हैं फंड के जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ शेयर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इसको आपको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा ठीक है दूसरा स्टेप क्या है आप फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे विद इट्स वेट जो भी उसका प्रोपोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी उसका प्रोपोर्शन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर यानी फर्म की जो पूरी पूरा कैपिटल है पूरी पूंजी है उसका स्ट्रक्चर क्या है यानी उसमें कितना डेप्ट है कितना इक्विटी है ठीक है कितना प्रेफरेंस शेयर है ठीक है सपोज करिए ये वन थर्ड है डेप्ट है इक्विटी कैपिटल है है प्रेफरेंस शेयर तो ये ये क्या हुआ इसका ये इसका हुआ इसका इसका प्रोपोर्शन वेट फिर क्या करेंगे आप इनको ऐड कर देंगे जो भी आपने पहले आपने कॉस्ट निकाली हर एक जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली फिर इसको वेट से मल्टीप्लाई करिए और फिर इनको ऐड कर दीजिए तो आपका आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ईजी है तीन स्टेप में आपका काम हो जाएगा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं तो इसका फॉर्मूला ये है दिस इज द फॉर्मुला ठीक है दिस इज द आई एक्सप्लेन करती हूँ अच्छा एक चीज और है इसमें एक बात और खास ध्यान रखने की है कि फाइनेंस uh, में जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी figures calculate के जो भी भी कैलकुलेट किए जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा आफ्टर टैक्स बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है ठीक है जो का आप कॉस्ट निकालेंगे ना वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट होगी वैसे जब मैंने कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपको पढ़ाया था तो मैंने लास्ट में डेप्ट में टैक्स एडजस्टमेंट आपको पढ़ाया था ठीक है टैक्स एडजस्टमेंट बताया था ना तो ये डिबेंचर केस में जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर जो कंपोनेंट या जो टोटल जो बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए जो भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी ना वो हमेशा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ही आप कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ का सा ध्यान रखेगा। बच्चे इसमें हो जाते हैं। की केस में जो बिफोर टैक्स जो आपने कॉस्ट निकाली है ना वो रख देते हैं तो वो नहीं आपको टैक्स एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और आफ्टर टैक्स कॉस्ट को इसमें आप कंसिडर करते हैं उसी को इंक्लूड करते हैं ठीक है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा चलिए अब इसका फॉर्मुला बताती हो तो एक फॉर्मुला तो सबसे पहला ये फॉर्मूला है इसमें एक एजामशन लिया गया है कि सपोज करिए फर्म केवल फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर के में केवल दो ही सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं एंड इक्विटी केवल दो सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं है और इक्विटी है तो फॉर्मूला क्या होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कह लीजिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दिस इज इक्व टू के डी के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट वन माइनस टी ये देखिए टैक्स एडजस्टमेंट किया है याद आ रहा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट में मैंने फॉर्मूला बताया था वन माइनस टी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी मतलब वेट ऑफ डेप्ट प्लस के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ इक्विटी दिस इज द फॉर्मूला बट आपको ऐसा कोई फॉर्मूला ठीक है ये समझ लीजिए थ्योरी में लिखने के लिए बाकी ऐसा भी मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगी ऐसा कोई फॉर्मूला लर्न करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ठीक है और अगर ए, आ, ये जो डेप्ट और इक्विटी के अलावा अगर प्रिफरेंस शेयर भी है रिटेन अर्निंग भी अलग से शो करना है तो सिंपली दिस इज द फॉर्मूला ये यूज करिए

कंपोनेंट कॉस्ट है वो भी आपको दी गई है ठीक है इक्विटी कैपिटल का क्या है 18% रिटेन अर्निंग का 18% प्रेफरेंस कैपिटल का 11% डेप्ट का 8% ठीक है ये आपको कॉस्ट ऑफ ये सोर्सेस दी गई है अच्छा एक चीज और है मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहती हूँ ये जो पिछला लेक्चर था मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ठीक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी दिस इज मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ये जो कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी होता है ये ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी से ठीक है बट इसमें कंडीशन अप्लाइड है इफ ठीक है ये हमेशा ज्यादा नहीं होता ये बराबर भी हो सकता है देखिए इस केस में बराबर है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बच्चों को तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहती हूँ ये कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी इफ ये ज्यादा होगा इफ इफ पी नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट ठीक है, इफ नॉट नॉट, ग्रेटर देन फर्म हमेशा क्या करती है नए शेयर को कम प्राइस पे इशू करती है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस तो जनरली ऐसा ही होता है और जनरली इसीलिए कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ एक्टर्न इंटरनल इक्विटी ठीक है लेकिन बराबर भी हो सकता है अगर P नॉट इज इक्वल टू I नॉट हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन था तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखिएगा ठीक है चलिए एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ आज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं ये वाले ठीक है तो वन uh, सेकेंड हाँ तो ये क्वेश्चन है इक्विटी uh, कैपिटल की कॉस्ट हो गई रिटेन अर्निंग की कॉस्ट हो गई एक्चुअली यहाँ पे दोनों कॉस्ट बराबर है ना तो इसलिए मुझे वो कॉन्सेप्ट याद आ गया कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी था तो ऐसा नहीं होता कि एक्सटर्नल इक्विटी हमेशा ज्यादा होती है इंटरनल इक्विटी से अगर आई नॉट इज इक्वल टू पी नॉट हो जाए तो बराबर भी होती है ठीक है तो जैसे देखिए यहाँ पे बराबर है एटीन परसेंट है ठीक है प्रेफरेंस कैपिटल ग्यारह परसेंट डिबेंचर जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है दैट इज एट परसेंट तो ये आपको कॉस्ट पहले से दी गई है आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक इस क्वेश्चन में पता है आपका काम बहुत इजी कर दिया गया यहाँ पे जो वेट है ना कैलकुलेट कर दिए गए हैं पहले से सवाल में दिया गया है वेट अगर ये नहीं दिया होता तो थोड़ा सा एक स्टेप आपका और बढ़ जाता आप पहले वेट कैलकुलेट करते हैं बट यहाँ पे तो वेट पहले से दिया है आपका काम बहुत आसान हो गया है तो चलिए करना शुरू करते हैं सबसे पहले आप लिख देंगे जो भी चार सोर्सेज हैं वो लिख दिया इनके अमाउंट क्वेश्चन पहले उतार लीजिए इनके अमाउंट जो है वो लिख दिया फिर इनका जो प्रपोर्शन है जो वेट है <coughs> जो इनका वेट है क्वेश्चन से देखिए ये क्या है फोर्टी फाइव परसेंट तो फोर्टी फाइव परसेंट अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो डिवाइड करिए हंड्रेड से ठीक <coughs> है डिवाइड किया है से प्रपोर्शन निकालने के लिए ठीक फिर ये तो आ गया डब्लू ठीक है आ, ये आ गया W1 वन ये E W आर W पी डब्लू डी डी ये हो गया ये समझ में आ रहा है ना वेट आ गया चारों सोर्सेस का फिर इसके बाद कॉस्ट भी आपको कैलकुलेट करके दी हुई है ठीक है ये आपको के दिया गया है आ, के है, के आर है के पी है एंड के डी है ठीक है ये आपको कॉस्ट दी गई है चारों सोर्सेस की और ये वेट दिए गए तब तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है फॉर्मूला तो पता है ना फॉर्मूला क्या होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू के वन डब्ल्यू वन प्लस के टू डब्लू टू प्लस के थ्री डब्ल्यू थ्री यही तो बताया था के थ्री डब्लू थ्री यही फॉर्मूला था तो सिंपली क्या करना है इस के वन को डब्लू वन से मल्टीप्लाई करना है सिंपली आपने ये क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और ये वेट ऑफ इक्विटी कैपिटल दोनों को मल्टीप्लाई करिए ये आया ऐसी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इसको वेट ऑफ रिटेन अर्निंग से मल्टीप्लाई करिए ये आया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से मल्टीप्लाई करिए ये आया ऐसी डिवेंचर का कैलकुलेट करिए ये आया और इन सबको उठा के कर देंगे सम आपका आ गया पॉइंट वन फोर थ्री ठीक है और इसको, के टर्म में चाहिए होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए so, कर तरीका बता रही हूँ किस तरीके से कैलकुलेट होगा बहुत ईजी है स्टार्ट तो पढ़ा हुआ है ना सिंपली आपने क्या किया वेट को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ये वेट अब एक और चीज है मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ अगर ये वेट क्वेश्चन में नहीं दिए रहते तो तब आपका थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाता है आप पहले वेट निकालते तो वेट निकालने के लिए आप क्या करते जितने भी ये जो चार सोर्सेज हैं कैपिटल के इन सबको सबसे पहले सम करो तो यहाँ पे सम दिया गया है टेन लाख ,00 सम दिया गया है तो अगर मैं बात करूं टेन लाख ,00 में इक्विटी शेयर कैपिटल का वेट कितना है तो फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड है तो टेन लाख ,00 में फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड तो क्या करेंगे फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड लिख देते अच्छा फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टेन लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख तो कितना आ जाएगा 0.45 आएगा ना तो वही तो निकाला है प्रोपोर्शन और ऐसे ही 1.5 लाख दस लाख का कितना परसेंट होता है 0.15 ऐसे ही एक लाख दस लाख का कितना परसेंट होता है 10% होता है तो ये लिखा है तीन लाख दस लाख का कितना परसेंट होता है 30% होता है तो वही ये लिखा है तो आपको वेट तो निकालना आता है बहुत इजी है स्टैट्स पढ़ा है और 8th 9th क्लास में भी वेट निकालने के लिए होता है ठीक है तो आप सिंपली वेट निकाल देंगे बट इस क्वेश्चन में दिया है तो आपका का, काम आसान हो गया चलिए अच्छा एक तो ये तरीका है इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एक और तरीका है वैसे मेरा सजेशन है कि दिस वन इज द इजीएस्ट वन ऐसे ही करिए k नॉट इक्वल्स टू k1 w1 k2 w2 k3 w3 ऐसे करके वेट निकालिए मतलब ऐसे करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करिए बहुत इजी है ही करिए ठीक है ठीके? लेकिन आ, कुछ बुक्स में ऐसा भी मैंने देखा कि इस तरीके से भी कैलकुलेट किया है तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए पर ये भी बहुत सिंपल है उसी को दूसरे तरीके से लिख दिया गया है जो चारों सोर्सेज हैं ये है ठीक है चारों सोर्सेज का जो अमाउंट है वो ये है जो कॉस्ट है वो आपको दी गई है तो जो अमाउंट है ना जो अमाउंट है यानी इक्विटी कैपिटल कितना है इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करिए कॉस्ट से इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करिए कॉस्ट से लेकिन फिर आपको इसमें लास्ट में डिवाइड करना पड़ता है किससे डबल किससे डिवाइड करना पड़ेगा इन सब के सम से ठीक है इन सबका जो सम है पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई करिए जो इक्विटी कैपिटल है वो साढ़े चार लाख है साढ़े चार लाख को आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पॉइंट वन एट इससे मल्टीप्लाई किया आया एट्टी वन थाउजेंड ऐसी रिटेन अर्निंग कितना है क्वेश्चन में डेढ़ लाख है उसको इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया आया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ऐसी शेयर को इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया ग्यारह हजार आया ऐसी को इसकी इसकी जो है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फोर थाउजेंड आया ठीक है तो ये क्या है आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकल के आ गई अब आप इन सबको सम कर दीजिए और इनके सम को किससे डिवाइड करेंगे इनके सम को आप डिवाइड करिए इसके सम से ये जो टोटल कैपिटल जो है ना इससे डिवाइड करिए यहाँ पे बेट निकालने का दूसरा तरीका यूज किया जा रहा है कि इसकी सम से डिवाइड करिए ठीक है थीके? इसको दस लाख से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बट मेरा सजेशन है कि इससे पहले वाले मेथड यूज करिए वो बहुत ईजी है ठीक है दोनों तरीका वैसे सेम है लॉजिक वही है इसको कह लीजिए घुमा के कान पकड़ने वाली बात हो गई है ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट है आप पहला वाला यूज करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ की तारीख आज की तारीख मतलब जनवरी 2022 तक अपलोड कर चुकी हूँ ठीक है मेरे चैनल पे आज की तारीख तक साढ़े तीन सौ के अप्रोक्सीमेटली वीडियो लेक्चर अपलोडेड हैं। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे और कई नए वीडियो भी मतलब कुछ और नंबर ऑफ वीडियोस ऐड हो चुके होंगे सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए ये मैंने आपके लिए अपलोड किया है और सबसे अच्छा रहेगा कि आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिए क्योंकि हर दिन मेरे साथ काफी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं और जो पुराने बच्चे उन्हें तो पता है पर जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ तो वो जनरली मुझे मैसेज आते हैं कि मैम थोड़े से एमसीक्यूज करा दीजिए या मैम थोड़े से कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि प्ले में चेक करिए मैंने पढ़ाया हुआ है तो इसीलिए मैं आपको ये शो कर दे रही हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा ये मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए राइट तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब मैंने बताया था ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसको हम बुक वैल्यू पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट वैल्यू पे भी जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा हम करेंगे ठीक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड एट बुक वैल्यू वैल्यू या फिर मार्केट अगर बुक वैल्यू वैल्यू या जो का जो मार्केट का वेट है अगर ये डिफर कर जाएगा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी डिफरेंट वो वो डिफर कर जाएगा ठीक है अब जरा वही क्वेश्चन जो अभी हमने पिछले स्लाइड में किया था क्वेश्चन ठीक है उसी क्वेश्चन में हम मार्केट वैल्यू पे मार्केट वैल्यू पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ठीक है वो था बुक वैल्यू पे अच्छा बुक वैल्यू मतलब पता है ना कोई भी फिगर जो जिस वैल्यू पे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं जो भी इक्विटी शेयर है या डिवेंचर है जिस वैल्यू पे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं उन्हें कहते हैं बुक वैल्यू ठीक है और मार्केट में जिस रेट पे है दैट इज मार्केट वैल्यू तो अगर पूछा जा रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू पे ठीक है तो कैसे करेंगे वो अब मैं बताती हूँ एकदम सेम वही लॉजिक यूज करना है बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है तो पिछला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उस क्वेश्चन के साथ आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि जो फर्म है उसके फोर्टी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है ये जो फर्म है उसके फोर्टी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है एंड करंट मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो है 20, जो मार्केट प्राइस पर शेयर है 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 वो है 20, और करना मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर सेम जो डिबेंचर है और जो प्रेफरेंस शेयर है उनकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है लेकिन जो इक्विटी कैपिटल है उसमें बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में डिफरेंट है डिफरेंस है और डिफरेंस क्या है कि uh, 45, है, और इन्फॉर्मेशन दी है, है यूज करने हैं अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठीक है तो दिस इज द क्वेश्चन तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले चार सोर्सेज ऑफ कैपिटल थे इक्विटी कैपिटल ठीक है याद आ रहा है चार सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या थे इक्विटी शेयर था ठीक है अर्निंग थी रिटेल शेयर था और डिबेंचर था बट यहाँ पे तो देखिए तीन हो गए ठीक है तो आप सोच रहे होंगे तीन कैसे हो गए वहां तो चार थे एक बार मैं आपको वो क्वेश्चन फिर से दिखा देती हूँ वो जो क्वेश्चन था ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेल्ड अर्निंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिबेंचर ये तो चार थे यहाँ तीन कैसे हो गए ठीक है ये 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 तीन तीन कैसे हो गए? तो ये तीन हो गए गए तो इसलिए क्योंकि ये जो इक्विटी कैपिटल होता है ना किसी भी फर्म का जो इक्विटी कैपिटल होता है दिस इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग ठीक है जो भी शेयर आउटस्टैंडिंग है उनका मार्केट वैल्यू जितने शेयर आउटस्टैंडिंग है तो ये शेयर आउटस्टैंडिंग है इनकी मार्केट वैल्यू है बीस ठीक है ये होता है ठीक लेकिन इसमें अर्निंग इंक्लूडेड होता है दिस इंक्लूड ये जो 20 है ना इसमें अर्निंग इंक्लूडेड है ठीक है इसीलिए यहाँ पे अलग से नई शो कर रहे हैं ठीक तो सीधे हमने उसको कंबाइन कर दिया है तो इक्विटी कैपिटल कितना है हैल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी

ठीक अब इनका प्रोपोर्शन निकालना होगा क्योंकि फॉर्मूला तो हम जानते हैं फॉर्मूला सेम है, है? दैट इज के वन डब्लू वन प्लस के टू डब्लू टू प्लस के थ्री के थ्री थ्री ठीक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो के वन के टू के थ्री हमें पता है हाँ ये तो वही है क्योंकि कहा गया है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सेम तो 0 0 0 जो तो जो क्वेश्चन में दिया था, अब हमें डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और डब्ल्यू थ्री पता करना है तो ये क्या है ये वेट है ना तो वेट कैसे निकलेगा तो सबसे पहले ये जो नाइन लाख वन लाख और थ्री लाख है इसको सम करो तो आएगा तेरह लाख ठीक है अब वेट निकालना है तो क्या करेंगे नाइन लाख

इसको मल्टीप्लाई इसको करके यहाँ पुट करिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट करिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट करिए और इनको करिए यू विल गेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कह लीजिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट मार्केट प्राइस निकल आएगा ठीक इजी था ना बहुत इजी था बहुत इजी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना तो ये जो हम पूरी मेहनत कर रहे थे ना कॉस्ट ऑफ किए कॉस्ट ऑफ इक्विटी किए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट किए वो सब हम इसी के लिए कर रहे थे क्योंकि फर्म को एक्चुअली में अपना टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना होता है ठीक है तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और इसी के साथ मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो पूरा टॉपिक है वो फिनिश होता है

एक सेकेंड एक मिनट का टाइम लगता है तो प्लीज हम लोग को मोटिवेट करते रहा करिए तभी शायद मैं वीडियो लाती रहूंगी वरना शायद मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है इतना समय निकालना क्योंकि कुछ दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं तो प्लीज अपना सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो लाती रहू ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू